देवथर के गढ़ी चौकी की कानून व्यवस्था मुंशी के भरोसे, स्टाफ की कमी झेल रहा क्षेत्र। पूरा मामला देवथर तहसील के जनहे थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी चौकी का है। थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले 52 ग्रामों के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अकेले मुंशी के कंधों पर है। वहीं अन्य स्टाफ न होने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र होने की वजह से चीले पदार्थों का आदान प्रदान सहित क्षेत्र में अन्य घटनाएं भी घटित होती हैं, परंतु उन अपराधों में रोकथाम को लेकर अकेले मुंशी फेल साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चौकी क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाते हुए पुलिस बल की मांग की गई है। चौकी में पदस्थ मुंशी सुनील सेंगर का कहना है कि कहीं भी घटना घटित होने पर स्टाफ की कमी बनी रहती है। चौकी परिसर में जब्त सामान सहित अन्य चीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंशी के ही कंधों पर है। इस पर लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाया है। कितनी स्टाफ है आप पुलिस अंतर चौकी गढ़ी क्षेत्र अंतर कितने गांव है? मैं चौकी क्षेत्र गांव है और स्टाफ में अभी पुलिस लाइन से एक आरक्षक आया था जो कि 2 दिन पहले आया था और उसका अभी खेल में कहीं नाम आ गया है। उसको भी रवानगी दी जा रही है, वो भी चला जाएगा। वर्तमान समय में चौकी में मैं अकेला ही हूँ। आप मुंशी जी हैं? जी। तो आप चौकी से ही खाली नहीं हो पाते होंगे, क्षेत्र का गश्त कैसे लगाते होंगे? नहीं, चौकी में ही इतनी NCR आ जाती हैं और विवेचनाएँ रहती हैं, वो करना पड़ता है। और चौकी अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि चौकी भी है, यहाँ माल खाना है और यहाँ से सामान भी रखे हुए हैं जब्ती के, और चौकी छोड़ के भी हम क्षेत्र में अकेले कहाँ जा सकते हैं।